breaking news. मोदी शाह का नशा उतारने को धरने पर बैठे मौलाना तौकीर। बरेली नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धरने पर बैठे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बार निशाना बनाते हुए बयान दिए हैं। मौलाना ने कहा है कि नए नए कानून बनाकर देश को बर्बाद करने पर तुले हैं मोदी और शाह का नशा उतारने के लिए ही धरने पर बैठा हूं, देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सोमवार को सलामी ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मौलाना तौकीर ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देश के भोली भाली जनता को गुमराह कर साजिश रची जा रही है। सीए जैसे कानून बनाकर मुल्क की आवाम को परेशान किया जा रहा है। इन लोगों के साजिश में भोली भाली हिंदू समाज के लोग जाल में फंसा रहे। मौलाना ने बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में आयोजित रैली पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जब प्रशासन हम पर धारा 144 का मुकदमा कर सकती है तो मंत्री और उनके समर्थकों पर क्यों नहीं किया गया। मोदी शाह का नशा कल भी लागू थी, हमने मार्च नहीं किया, हमने बड़ी जनसभा नहीं की, 250-300 लोग यहाँ धरने पे बैठे। इतनी बड़ी जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कानून की जिनको तबलीग करनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में मत लो, कानून को मत तोड़ो, कल सारे बेईमान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कानून को हाथ में भी लिया, कानून को तोड़ा भी। जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं उन तमाम के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए जिन्होंने कल मार्च निकाला और जिन्होंने जनसभा की। ये बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी, दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके लिए कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है। हम दिखाएंगे कि कानून क्या होता है। कानून डीएम को भी मानना पड़ेगा, कप्तान को भी मानना पड़ेगा। कानून ऐसा नहीं है कि मंत्री के लिए नहीं है और हमारे लिए है। हम कानून का पालन करते हैं, तुम्हें कानून का पालन करने के लिए मजबूर कर देंगे। बीजेपी कह रही है कि इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, बीजेपी जिंदाबाद हो जिंदाबाद हो जिंदाबाद। नुकसान नहीं है, नहीं मैं देने का काम कर रहे हैं। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि सीए मजबूर हो गए, परेशान हो गए। हमें भी अपने घर का आराम, गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया है लोगों को। तकरीबन एक माह से शाहीन बाग पे जो धरना चल रहा है और अंधी बहरी हुकूमत बेहिस, जिसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, उसने अभी तक उन लोगों की परेशानियों को समझने की, उन लोगों की जरूरतों को समझने की, उन लोगों की मांगों को समझने की कोशिश नहीं की, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये बड़ा जुल्म है। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, हम अमित शाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन दोनों के, नरेंद्र का ना और अमित शाह का शाह जो मिला के ये नशा जो देश पे चढ़ गया है, कुछ लोग बहक गए हैं और ये नशा मुझे लगता है कि जब तक उतरेगा तब तक हमारे देश का नाश हो चुका होगा। हम अपने देश को इस बर्बादी से, तबाही से बचाना चाहते हैं, अपने देश की मोहब्बत में बैठे हैं। और वो तमाम उन ख्वातीन को मैं सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं जो इस ठंड में तकरीबन 120 साल का रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ा, उस ठंड में छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर वहां बैठी हुई है। बेहिस हुकूमत जो कहती है कि सबका विश्वास सबका साथ, ऐसे झूठे जुमले बोलने वाले जो स्टेज पे खड़े होके कहता है कि किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी, नागरिकता देने के लिए, हमें किसी को नागरिकता देने पर कोई एतराज नहीं है। नागरिकता जो भी आए, मजलूम है, परेशान है, अपना मुल्क छोड़कर कोई कहीं नहीं जाना चाहता। अगर परेशान हाल कोई हमारे देश में आता है, हमारे देश से मदद मांगता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी उसको नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन नागरिकता देने के लिए सीए बनाने की कतन कोई जरूरत नहीं थी। नागरिकता जिसे चाहो दो, नागरिकता देने से किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। दिखावा मत करो, ढोंग मत करो। नागरिकता देने के नाम पर तुम नोटबंदी की तरह
हमारे देशवासियों को लाइनों में फिर से लगाना चाहते हो, नौकरशाही का रुतबा और बुलंद करना चाहते हो, हमारे लोग कागजों के लिए मारे मारे फिरे, दफ्तर दफ्तर मारे मारे फिरे, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम देशवासी बराबर हैं, हमें किसी को न कागज देने की जरूरत है। मैं यहाँ मुसलमानों के लिए नहीं बैठा हूँ, लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं मुसलमानों के लिए बैठा हूँ। मुसलमानों को CAA से कोई नुकसान नहीं है, ऐसे 1000 CAA ले आओ, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम अपने देश के लिए बैठे हैं, देश की जनता के, देश की आवाम के लिए बैठे हैं। आज हमारा हिंदू भाई समझ नहीं पा रहा है जो हमारे देश के साथ जैसी साजिश इन्होंने गहरी साजिश रची है, इसको आज हमारा हिंदू भाई समझ नहीं पा रहा है। उसे हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया गया है। असल में ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही ताकि जो असल मामलात हैं, जो असल सवालात हैं हुकूमत से, वो सवालात ना कोई कर सके, उनकी तरफ कोई तवज्जो ना जाए और इन तमाम चीजों में उलझा रहे। आम हिंदू को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो जब तक इन चीजों के लिए, और मैं देख रहा हूं कि आम हिंदू बहुत तेजी से इन चीजों को समझ रहा है और तेजी से साथ आ रहा है, और हमारे इस धरने में भी हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलके बैठे हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी आज की जो ये धरना है, ये इंशाल्लाह धरना हम तब तक चलाएंगे जब तक ये सियाह कानून वापस ना हो जाए। और इस धरने में मैंने कोशिश ये की है कि इस धरने में ज्यादा भीड़ ना आए, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने से मुझे मेरे शहर के अमन व अमान को खतरा महसूस होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम नहीं बनना चाहते, हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठे हैं। अपने शहर में, अपने जिले में, अपने सूबे और अपने देश में हम अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन मैं बैठूंगा तब तक जब तक ये सियाह कानून वापस नहीं होगा। और इसको लंबा चलाने के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को हमारे अवाम फॉलो करें। अगर वो हमारे एहकाबात को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें उससे दिक्कत होगी। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है अपने शहर का, और अपनी बात हुकूमत तक पहुंचानी है, और पहुंचानी नहीं है, मनवानी है, और उन्हें मजबूर करना है ये सियाह कानून वापस लेने के लिए।